हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा, देखिए, एक ऐसा शेयर जो कि करोड़ों का डिविडेंड देता है, मतलब बहुत सारे कितने करोड़ पैसे ये डिविडेंड में देता है। और इस बार जो इसका रिजल्ट आया है, देखिए, रिजल्ट का सीजन चल रहा है, जबरदस्त रिजल्ट। मैं कहूँगा 26,000 करोड़ के पार की टोटल इनकम दिखाई है इस पर्टिकुलर एक जून क्वार्टर में। तो सोचिए कितना प्रॉफिट हुआ होगा, कितना प्रॉफिट बढ़ा है। उन सब बातों पर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में, जल्दी से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, स्टार्ट करता हूँ डिविडेंड से। अभी देखिए, 2019 मार्च में ही इसने 5.85 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे पहले 3 महीने पहले दिसंबर में 7.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। पिछले साल इसने फरवरी में 16 रुपये का डिविडेंड दिया था। भाई कितना, आप सोचोगे बड़ा महंगा शेयर है भाई, इतना बड़ा डिविडेंड देता है। तो देखिए, उससे पहले अगर 2017 की बात करें तो 18 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2016 की बात करें तो 27 रुपये का डिविडेंड दिया था। भाई इतना महंगा भी नहीं है शेयर जितना डिविडेंड दे देता है। कोल इंडिया लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, डिविडेंड का बादशाह माना जाता है कोल इंडिया। कोयले का मेन शेयर है इंडिया का, सरकारी कंपनी जरूर है, डिविडेंड से माला माल कर देता है। 6-6.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड, 1 लाख करोड़ के पार, 1,25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस मात्र 200 रुपया। अब आप खुद सोचिए, प्राइस मात्र 200 रुपया, बुक वैल्यू 42 की है, पी रेशियो हर 7 रुपये पे 1 रुपये कमाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी 75%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 109%, और सेल्स ग्रोथ देखिए 11-12% की। कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 2200 करोड़ का है, प्रमोटर होल्डिंग 71% की है। जबरदस्त शेयर, 200 का जरूर है, इंट्रिंसिक वैल्यू 1100 के आसपास। चलिए बढ़िया बात है, अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिजल्ट कब आया, तो रिजल्ट देखिए आज 13 अगस्त 2019 रिजल्ट आया है 7:30 बजे के आसपास। चलिए रिजल्ट कैसा रहा ये देखिए, सीधे लेके चलता हूँ आपको। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, सारी फिगर करोड़ में है। 26,090 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर में दिखाई है, जो कि मार्च क्वार्टर में 30,000 करोड़ थी, लेकिन लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 25,000 करोड़ के आसपास थी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। ये तो आपने टोटल इनकम देखी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस भी होते हैं, एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट निकलता है। तो प्रॉफिट 7,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, जो कि पिछले साल जून में मात्र 6,000 करोड़ के पास था। तो ऑलमोस्ट 900 या 1,000 करोड़ के आसपास का जंप, बढ़िया जंप मैं कहूंगा प्रॉफिट में। टोटल इनकम बढ़ी लेकिन प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़ा। अगर मैं कंपैरिजन करूं मार्च क्वार्टर में, लेकिन मार्च क्वार्टर में बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट था, ये 8,800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। इस बार ये 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन मार्च में टोटल इनकम भी ज्यादा थी, ये जरूर ध्यान दीजिए। अब अगर बात करता हूँ टेक्निकल की, तो कोल इंडिया ने इस बार जबरदस्त गिरावट की मार झेली है, और ये अपनी जो बेस की 3 लाइनें थी ना, उनको भी बिल्कुल गिरता उनसे भी नीचे आ गए। एक चौथी लाइन बनाई, फिर एक पांचवी लाइन बनाई। अब लगता है कहीं इस शेयर में बढ़िया पॉजिटिविटी आ सकती थी। पिछले हफ्ते में ये शेयर 192 के लेवल से अभी 200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कल जो मार्केट में जंप कल ही आ सकता है, इस शेयर में एक बढ़िया वाला जंप देखने को मिल सकता है। ऑल्दो डिविडेंड से माला माल करता है ये शेयर, और फरवरी में खास करके ये डिविडेंड डिक्लेयर करता है। चलिए, अब आपने देखा कोल इंडिया के डिटेल, कोल इंडिया का डिविडेंड, कोल इंडिया का रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये किसका शेयर है, कोल इंडिया का, वो भी डिविडेंड वाला शेयर। वीडियो शेयर जरूर करें, और आपकी अपनी राय इस स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।